ओ खैर, ये वैसे नहीं हुआ जैसे इसे होना चाहिए। आह, मुझे बहुत ठंड लग रही है और गर्म कॉफी को। विपरीत के साथ लो। कुछ कमी है, रुको जरा, मुझे इसमें इंद्रधनुष मिठास चाहिए। जिपलॉक बैग में चीनी डालें। हर बैग में खाने की रंग की बूंदे डालें और अच्छे से मिलाएं। चीनी के कुछ अलग अलग रंग बनाएं, पीला, हल्का नीला, गुलाबी और कुछ चीनी को गहरे रंग से रंग दें। यूनिकॉर्न के कोल्ड को ठीक करने के लिए रेनबो शुगर सबसे अच्छी दवाई है। अपना मनपसंद रंग डालो। कितना मीठा है। मिसेस गोंजालेस, हमें एक स्पेशल ट्रीटमेंट चाहिए। यूनिकॉर्न के लिए एक बड़ा बर्गर, एक इंद्रधनुष स्टफिंग और अच्छे वाइब्स के साथ, और मेरे दोस्त सैंडी के लिए। ओ, बस कुछ स्वादिष्ट है, प्लीज। सफेद प्याज और पीले टमाटर के सर्कल काटें। मेयोनेज में ब्राइट खाने वाले रंग डालें। तिल के बीजों पर खाने वाले रंग की एक बूंद डालें। उसे अपने हाथों से मिलाएं और बीज को 10-15 मिनट के लिए 140 डिग्री पर टोस्ट करें। नीचे बन के ऊपर रंगीन मेयोनेज फैलाएं। टमाटर, एक रंगीन चिकन कटलेट, चीज का एक टुकड़ा, प्याज, चीज और मेयोनेज। इसे बन के ऊपर वाले हिस्से से ढकें। सबसे ऊपर तिल का तेल डालें और ऊपर से रंग बिरंगे तिल छिड़कें। हमारे इंद्रधनुष यूनिकॉर्न के लिए एक स्वादिष्ट बर्गर तैयार है और यहाँ सैंडी के लिए एक स्वादिष्ट कुकी भी है। मजे लो। ये क्या बात हुई, ये तो गलत है। सैंडी को भी बर्गर चाहिए। रुको, मिसेस गोंजालेस सिचुएशन संभाल लेंगी। चलो जल्दी करो, मुझे जल्दी से मेरा अपना बर्गर चाहिए। ग्राउंड बीफ में नमक और काली मिर्च डालें। खाने वाला बैंगनी रंग डालें। अब इसे अच्छी तरह से मिलाएं। बर्गर पैटी को भूनें। एक काले टमाटर और एक लाल प्याज के रिंग को काटें। कुछ गहरे रंग के बंद गोभी के पत्ते डालें, बैंगनी चीज के स्लाइस और रंगीन मेयोनेज लें। काले बर्गर बन को काटें, रंगीन मेयोनेज को नीचे वाले हिस्से पर लगाएं। बंद गोभी के पत्ते को पहले रखें और इसके ऊपर पैटी रखें। अब इस पर मेयोनेज लगाएं, उसके ऊपर टमाटर, चीज और प्याज के रिंग्स रखें। मेयोनेज डालें और इसे बन के ऊपर वाले हिस्से से ढक दें। बैन पर जैतून का तेल डालें और ऊपर से रंगीन तिल के दाने छिड़कें। ये रहा हमारे उदास मेहमानों के लिए एक उदास बर्गर। बोन एपेटिट मेरे फ्लफी दोस्त। बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है, ये तो बहुत स्वादिष्ट है। मेरे काले बर्गर की तरफ देखना भी मत मेरे इंद्रधनुष दोस्त, आप अपना खाओ। कुछ मीठा हो जाए। यूनिकॉर्न के वॉफल सींग में अटके हुए डोनट्स को तो देखो, मेरा डोनट गुलाबी है, यूनिकॉर्न की हैप्पी आइडिया की तरह। मार्शमेलो को वॉफल कॉर्न में डालें और स्किटल्स लें। इसमें पिघला हुआ गुलाबी ग्लेज डालें। ग्लेज पर एक डोनट लगाएं। इसे फ्रिज में सेट होने दें। सींग को मेरिंग्यू और बनाई हुई गुलाबी चीनी के साथ सजाएं।
डोनट पर पिघला हुआ ग्लेज डालें और इसे स्प्रिंकल से सजाएं। इसे ठंडा होने के लिए फ्रिज में रखें। सिंक पर लाल टिन फॉइल से बनाए टिप रखें। वाह, ये देखो, हर किसी को अपना अपना रंग मिला है और मेरे पास चॉकलेट हॉर्न में चॉकलेट डोनट है। M&M को डार्क वेफल कॉर्न में डालें, कुछ मार्शमेलो डालें। अब इन सब पर पिघली हुई चॉकलेट डालें, एक चॉकलेट डोनट लगाएं, 5 से 10 मिनट के लिए फ्रीजर में रखें। चॉकलेट के ठंडा होने के बाद पूरे डोनट पर पिघली हुई चॉकलेट डाल दें। इसे स्प्रिंकल से सजाएं और इसे 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। अब इस सिंक पर एक शानदार टिन फॉइल टिप रखें। मुझे भी अपने गोद डोनट चखने दो, सवाल ही नहीं उठता। चलो हमारे स्वाद को फ्यूज करने की कोशिश ना करो, 3 गिनने पर काटो। डोनट और यूनिकॉर्न एक परफेक्ट मैच है। वाह, ये हैरानी वाली बात है कि सिंक कैंडी से भरा है। जल्दी से तुम्हारी भी खा कर देखते हैं। हे भगवान, वहाँ तो मार्शमेलो का पूरा खजाना है। स्वादिष्ट, मजा आ गया। और अपने दोस्त के लिए सजना मत भूलना। इंद्रधनुष यूनिकॉर्न के पास हमेशा बहुत सारे आइडिया होते हैं। चलो एक स्ट्रॉबेरी चुनौती लेते हैं। स्ट्रॉबेरी को हार्ट शेप में काटें, बेरीज में स्टिक्स लगाएं, सफेद चॉकलेट ग्लेज को पिघलाएं। अब इसमें स्ट्रॉबेरी डुबोएं, ऊपर से स्प्रिंकल डालें। इसके अलावा कुछ गुलाबी खाने वाले रंग ग्लेज में डाल दें। इसमें एक स्ट्रॉबेरी डुबोएं, स्प्रिंकल्स मिलाएं और ग्लेज में ब्लू कलर डालें। स्ट्रॉबेरी को डिप करें, इसे खाने वाले मोतियों और दिलों से सजाएं। कप में छोटे और बड़े स्प्रिंकल्स डालें, ग्लेज पर कुछ मैरिंगोस डालें और अब इसमें स्ट्रॉबेरी से बने दिल डालें। हमारे पास सैंडी के लिए स्ट्रॉबेरी है, वो भी उसके सभी मनपसंद रंगों में। इन कटे हुए स्ट्रॉबेरी के हार्ट्स को डार्क प्लास्टिक स्टिक्स पर रखें। डार्क चॉकलेट और नीले और बैंगनी चॉकलेट ग्लेज को पिघलाएं। स्ट्रॉबेरी को पिघले हुए ग्लेज और चॉकलेट में डुबोएं। ऊपर से स्प्रिंकल्स डालें। एक नियम बनाया है, तुम्हें खुशबू से अपने मनपसंद स्ट्रॉबेरी का रंग पहचानना है। देखते हैं हमारे यूनिकॉर्न की नाक की शक्ति कैसी है। नहीं, ये मेरी स्ट्रॉबेरी नहीं है, इसमें से तो इंद्रधनुष की बदबू आ रही है। ये तूफान की खुशबू आ रही है, यही है मेरी स्ट्रॉबेरी। मैं तूफानी खाना खाऊंगा। अब इसे इंद्रधनुष के साथ बंद कर दूंगा। माफ करना रेनबो यूनिकॉर्न, तुम्हें दिलवाली बेरीज खाने को नहीं मिलेंगी। सैंडी सारी के सारी खा गया, अब सिर्फ कैंडी बची है। मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, ऐसे ही वक्त काट रहा हूँ, पर इंद्रधनुष यूनिकॉर्न ने उदास होने से इनकार कर दिया। देखो मेरे पास क्या है, इंद्रधनुष टोस्ट। क्रीम चीज को हिस्सों में बांट ले। इंद्रधनुष बनाने के लिए खाने वाले रंग डालें। ब्रेड पर क्रीम चीज की धारियां बनाएं। एक कुकी कटर से दूसरे ब्रेड में से यूनिकॉर्न की आकृति काट लें। ब्रेड के कटआउट को क्रीम चीज इंद्रधनुष पर रखें। ये इस ब्रेड पर मेरी एक तस्वीर है। आई लव रेनबो टोस्ट, इससे अच्छा क्या हो सकता है। मेरा टोस्ट तुमसे बेहतर होगा। क्रीम चीज में डार्क फूड कलरिंग मिलाओ, बैंगनी और लाल रंग का इस्तेमाल करें।
क्रीम चीज के एक हिस्से में सिल्वर फूड ग्लिटर डालें। राई ब्रेड पर क्रीम की स्ट्रिप्स बनाएं। इसके ऊपर खाने वाला ग्लिटर छिड़कें। इसे एक यूनिकॉर्न के ब्रेड कटआउट से ढकें। अब ये कला का काम है और इस तरह के रंग यूनिकॉर्न को दर्शाते हैं। ये टोस्ट एक स्पेशल ड्रिंक के साथ बहुत अच्छा लगेगा। एक लाल हार्ट कैंडी को श्रेड्स में तोड़ें। एक कांच की बोतल की गर्दन पर पिघले हुए बैंगनी ग्लेज को लगाएं। इसे लावा की तरह बनाएं। ग्लेज के सेट होने से पहले अलग अलग तरह की कैंडीज लगा दें। इसे सख्त करने के लिए फ्रीजर में रख दें। बोतल में रंगीन दूध डालें। और ऊपर से मार्शमेलो लगाएं। माफ करना, और ये हो गया यूनिकॉर्न के लिए रंगीन दूध। पर कैसे? इंद्रधनुष यूनिकॉर्न ने फिर से मेरी आइडिया चुरा लिए। उसका ड्रिंक बहुत गुलाबी और खुश है। एक कांच की बोतल की गर्दन को खाने वाली ग्लू से ढकें। इसमें रंगीन स्प्रिंकल्स डालें। दूध में हल्का गुलाबी रंग मिलाएं। इसे बोतल में डालें। मार्शमेलो डालें। एक स्ट्रॉ डालें। ग्लास की गर्दन पर एक गोल गुलाबी चमकता हुआ कुकी रखें। अपना हमेशा की तरह दूध पीकर खुश हो लो। मेरे ड्रिंक का तरीका बेहतर है, यम्मी और कूलर। क्या आपको हमारा यूनिकॉर्न मेन्यू पसंद आया? तो हमें कमेंट्स में बताएं कि कौन सी यूनिकॉर्न डिश आपको सबसे ज्यादा अच्छी लगी, अच्छी या बुरी। और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल रूम रूम को सब्सक्राइब करें और बेल का बटन जरूर दबाएं, ताकि आप हमारी नई नई वीडियोस मिस ना करें।